hello everyone welcome to commerce made easier in my previous lecture of accountancy i discussed with you about the methods of calculating interest on drawings so today we will discuss new topic that is profit and loss appropriation account and what is profit and loss appropriation account it is a nominal account nominal account which is prepared after the profit and लॉस अकाउंट तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है नाम मात्र खाता है जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है जिसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं तो उसमें जो नॉमिनल अकाउंट है विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जा के, बनाने के बाद बनाया जाता है तो पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं नॉर्मल बिजनेसिस में सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है वैसे ही इसमें बनता है उसके बाद जो है प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट बनाया जाता है इट इज़ प्रिपेयर बाय द फर्म इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट इन देअर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स तो जो ये बनाया जाता है बाय फर्म के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट करने के, के लिए बनाया जाता है नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफ़िट कौन सा प्रॉफिट है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आया है वो नेट प्रॉफिट को जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये बनता है अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है क्योंकि जैसे सोल प्रोपराइटरशिप होता है उसमें एक ही व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाता है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो उस पार्टनर को मिल जाता है तो उसकी कैपिटल में हम इसको ऐड कर देते हैं इलेवंथ में हमने ऑलरेडी ये जो सोल प्रोपराइटरशिप अकाउंट्स हैं ये कि हमने किए हैं उसमें हम सारे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता था उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता था उसे हम किस में ऐड करते थे पार्टनर की कैपिटल में तो लेकिन यहाँ जो प्रोप्राइटर है उसकी कैपिटल में ऐड करते थे लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो बहुत सारे हैं तो उनको प्रोपोर्शनेटली हमें जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन सी रेशो में जो भी प्री डिसाइडेड रेशो होगी जो उनकी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होगी उसकी रेशो में हम उसे जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता ही आपको क्या होता है जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा यदि वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है उनके बीच में डिसाइडेड है कि पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हम पार्टनर से लेंगे जो 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 अगर उन्होंने ड्राइंग्स किया उस पर जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है पार्टनर से वो उसमें से ऐड किया जाएगा प्रॉफिट में क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम है देन सैलरी जो पार्टनर्स को दी जाने वाली कोई सैलरी है जैसे कई बार एक्टिव पार्टनर्स होते हैं जो बिज़नेस चलाते हैं तो वो उसके लिए अलग से सैलरी भी डिमांड कर सकते हैं तो अगर ये पार्टनरशिप डीड में तो उसको सैलरी भी दी जाएगी इसी तरह से कमीशन है तो यदि पार्टनर जो है कोई काम करता है बिज़नेस के लिए तो उसके लिए यदि वो कमीशन का हकदार है तो उसे कमीशन दी जाएगी तो इस तरीके से जो प्रॉफिट और लॉस अप्रोपेशन अकाउंट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसिज हैं उनको जो दी जाने वाली चीज़ें हैं या उनसे जो ली जाने वाली इनकम है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बिज़नेस के लिए वो इनकम है तो इस तरीके से जो पार्टनर से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन हैं उसको हम इसमें लिखते हैं इसमें कोई भी बाहर की चीज़ें जो होती हैं थर्ड पार्टीज हैं जैसे या कोई और एक्सपेंसिज इसमें बिजनेस रिलेटेड नहीं लिखे जाते हैं ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर जो प्रॉफिट हमने कमाया है बिजनेस करके उसको पार्टनर्स के बीच में बांटा जा रहा है तो बांटने से पहले जो पार्टनर की अलग अलग चीज़ें हैं उसको इंटरेस्ट है उसकी ड्राइंग पर है या कैपिटल पर है या सैलरी है कमीशन है कोई और भी जो उसको दी जाने वाली चीज़ें हैं ये सारी पहले निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वन ना हो तो हम उसे इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो इसमें जो आ, डीड के रूल्स हैं जो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन के रूल्स हैं एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में वो अप्लाई हो जाते हैं और अप्रोप्रिएशन में वही चीज़ें जो है उसको दी जाएंगी पार्टनर को जो रूल के अकॉर्डिंग होगी तो पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके लिए जो जनरल एंट्रीज हम बनाते हैं वो हैं फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो हमने बिजनेस का बनाया होता है उसका जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ताकि वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके तो उसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये एंट्री उल्टी हो जाती है लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट की कंडीशन में ये एंट्री की जाती है तो सेकेंड एंट्री जो होती है जनरल एंट्री दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम चार्ज क्रेडिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पहले उसके लिए जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस एक्सपेंस है डेबिट किया जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसिस वाला रूल फॉलो होता है इसमें देन फॉर ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है हमने उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो उसमें उसको हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसी तरीके से जो थर्ड एंट्री है हमारी वो है जो जनरल एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट तो कैपिटल करंट अकाउंट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में तो इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में हम जो है डेबिट करते हैं यानी उनसे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग इनकम फॉर द बिजनेस तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने चार्ज किया और उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट तो ये क्रेडिट साइड में इसको हम ट्रांसफर करते हैं देन पार्टनर्स सैलरी पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी के लिए जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट तो इस तरीके से सैलरी टू पार्टनर जो हम देते हैं वो हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं चलिए फिफ्थ जो हमारी जर्नल एंट्री होती है दैट इज पार्टनर्स कमीशन पार्टनर्स की कमीशन के लिए जर्नल एंट्री बनती है कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट तो पार्टनर को दी जाने वाली जो कमीशन है वो हम डेबिट करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है बिजनेस एक्सपेंस है तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दैन सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट में कमीशन को ट्रांसफर कर दिया है उसके बाद जब ये सारी कमीशन सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट में लिख लेते हैं उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर द बब एडजस्टमेंट हम एंट्री पास करेंगे लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है अगर प्रॉफिट बच जाता है सब कुछ देने के बाद भी हमारे पास कुछ हिस्सा बच गया है प्रॉफिट का तो वो, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और एंट्री उसके लिए पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट तो इस तरह से हम जो है पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन केस लॉस अगर लॉस हो जाता है यानी कि माइनस में हो जाता है उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग जो भी है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले तो पार्टनर को अगर लॉस हो जाता है लास्ट में बच जाता है जो मतलब माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से लॉस को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इस तरीके से जो ये जर्नल एंट्रीज हैं रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिट नाउ नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज लेजर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट तो लेजर बनाने से पहले एक बार हम अकाउंटिंग प्रोसेस पर ध्यान डालते हैं जो हमने पहले भी किया हुआ है एलेवंथ क्लास में आपने किया हुआ है सबसे पहले हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जर्नलाइज़ करते हैं इन द सब्सिडरी बुक्स उसमें लिखते हैं देन वी मेक लेजर्स उसको पोस्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज को लेजर में उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं यहाँ तक तो आपको पता ही है ये हमने एलेवंथ क्लास में ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखा हुआ है तो ये आपका सोल प्रप्राइटरशिप बिजनेस में होता है उसके बाद जो है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका जो बैलेंस शीट बन जाती है तो लेकिन अब जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है सो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के मुकाबले uh, जब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना लेते हैं उसमें नेट प्रॉफिट हमारा या नेट लॉस जो भी है वो आ जाता है उसके बाद हम जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट जिसका भी हमने डिस्कशन किया तो प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट हम बनाएंगे और उसमें हम जो पार्टनर्स हैं फॉर्म के उनके बीच में जो भी उस उनके उनको दिए जाने वाली चीज़ें हैं या उनसे ली जाने वाली चीज़ें हैं या आ, या जो प्रॉफिट है उसको हम इस प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं उसी को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है तो दिस अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से बनाया जाता है तो जर्नल एंट्रीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड है इसमें आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं पार्टनर्स को दी जाने वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं और पार्टनर से जो हम चार्ज करते हैं जो लेते हैं जो हमारे इनकम है वो आपकी क्रेडिट साइड आ जाती हैं तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और लॉस ऑफ्रिपेशन के और यदि लॉस होता है मान लीजिए नेट लॉस हुआ आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू नेट लॉस बी डी और लॉस होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर लॉस होगा तो यहाँ पर, तो पर जब ये प्रॉफिट हमने यहाँ लिख लिया है उसके बाद हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं जो पार्टनर्स को यदि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो हमने एंट्रीज जो अभी जनरल एंट्रीज बनाई थी उसी के बेस पर हम इसमें जो है उसमें पोस्टिंग कर देंगे इनको लेजर में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा और दोनों का सम टोटल यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह से सैलरी टू पार्टनर जो इस भी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी उसका नाम या उस यहाँ पर आ जाएगा सैलरी का और उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा देन कमीशन टू पार्टनर यहाँ पर आ जाएगा इसी तरीके से पार्टनर से यदि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग लेते हैं वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स ए का जो ड्राइंग से इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है वो यहाँ पे आ जाएगा बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा और दोनों का सम टोटल यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पार्टनर्स को दी जाने वाली चीज़ें और पार्टनर से ली जाने वाले जो भी अमाउंट्स हैं वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी उसके बाद दोनों साइड का हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का यहाँ पर और ये डेबिट डेबिट साइड का टोटल है और ये क्रेडिट साइड का तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हम जो ये बनता है तीन चीज़ों का यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन ये तीनों हम इस प्रॉफिट में से प्लस ये ड्राइंग्स का जो टोटल हमने यहाँ पे किया है इसमें से हम इन तीनों आइटम्स को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स तो पार्टनर्स के बीच में जो बांटा जाने वाला जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है उसको हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि पार्टनरशिप डीड में दी होगी उसमें हम जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसमें ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट तो ए को कितना शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में और बी को कितना जाएगा और ये कैसे डिसाइड होगा ये पार्टनरशिप डीड में दिया होगा अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप कोई भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की गिवन नहीं है तो जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल है उसके हिसाब से आप उसको यानी कि इक्वली इन प्रॉफिट को इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके बाद इफ लॉस देन पार्टनर्स अगर लॉस होता है मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो फिर ये लॉस होगा और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर किया जाएगा सेम तरीके से टू शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट यहाँ पर ए का शेयर आ जाएगा लॉस का बी का लॉस का शेयर आ जाएगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन वर वन लैक रुपीज एंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज रिस्पेक्टिवली तो ए ने जो है बिजनेस में वन लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे ईयर में और बी ने जो है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किए थे एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल फॉर तो पार्टनर्स को जो है क्या क्या मिलना है पार्टनरशिप डीड इनके बीच में है ऑलरेडी और इनके बीच में पहले से डिसाइडेड है कि पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा डीड में तो अब क्या क्या दिया जाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन तो पार्टनर जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा टेन परसेंट पर एन के हिसाब से सैलरी जो है, तो है कमीशन को, को दी, तो uh, दी जानी है एक हजार रुपए की एंड फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एनम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा टेन परसेंट पर एन के हिसाब से देन फिफ्थ पॉइंट इज जो ड्राॅइंग्स हैं मेड बाय द पार्टनर्स वर तो पार्टनर साल के दौरान ड्रॉइंग्स की हैं वो क्या है एट्रेड रुपीज टेन थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर तो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने दस हजार रुपए जो है साल के दौरान निकाले तो इसमें टाइम हमें गिवन नहीं है कब निकाले हैं कौन से महीने में निकाले हैं तो इसमें आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है वो आपको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया ही था ड्राइंग के अलग अलग मेथड्स और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है बी जो है विड्रू रुपीज टू थाउजेंड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इन अ ईयर बी ने जो है टू थाउजेंड हर क्वार्टर के बिगनिंग में वो निकाल रहा है तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे उसमें क्या हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से आपने इस पर बी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है प्रॉफिट मेड बाय द पार्टनरशिप फर्म ड्यूरिंग द ईयर इज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन बिफोर मेकिंग द बब एडजस्टमेंट वॉज रुपीज एट्टी थाउजेंड तो ये जो एडजस्टमेंट है इनके होने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को वो हुआ है एट्टी थाउजेंड रुपीज़ का प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें बनाना है प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्वेश्चन हमने ध्यान से समझ लिया है एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं ए और भी दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है टू एस टू वन ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की है वन लैख बी ने इन्वेस्ट की है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की और ये उनके बीच में जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तय हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट सैलरी फाइव हंड्रेड पर मंथ ए को दी जानी है बी को कमीशन देना है थाउजेंड और इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग दिया जाएगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एनम ड्राॅइंग्स मेड जो है पार्टनर्स के द्वारा की गई ड्राॅइंग्स हैं वो हमने देख ली हैं और उसके बाद अब हमारे पास जो प्रॉफिट है एट्टी थाउजेंड रुपीज़ है इस एट्टी थाउजेंड रुपीज में से हमें ये सब चीजें पार्टनर्स को देनी है और प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है चलिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको जो है सॉल्व करेंगे इसको आ, वैसे तो पहले जनरल एंट्रीज बनाई जाती हैं लेकिन मैं पहले लेजर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि लेजर जो होता है उसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं क्या कि किसको कितना हमने दिया है कैलकुलेशंस उसके हिसाब से हमें क्लियर हो जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था उनकी एक ही कैपिटल थी वन लाख रुपीज़ और उसका टेन परसेंट इंटरेस्ट लगाना था तो वन लाख रुपीज़ का टेन परसेंट हो गया टेन थाउजेंड रुपीज़ और बी को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका फिफ्टी थाउजेंड कैपिटल थी उसकी और उस पर टेन परसेंट के हिसाब से उसके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो है फाइव थाउजेंड रुपीज़ तो टेन थाउजेंड और फाइव थाउजेंड दोनों मिला करके टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ देन सैलरी टू ए कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स को जो ए को सैलरी दी जानी थी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से।, से तो बारह महीने के हिसाब से टोटल सैलरी जो है ए एक साल की बनती है सिक्स थाउजेंड रुपीज़ देन टू कमीशन टू बी तो बी को जो कमीशन दी जानी थी वन थाउजेंड रुपीज़ देन ये नेट प्रोफिट हम पहले ही उतार चुके हैं यहाँ पर एट्टी थाउजेंड रुपीज का जो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से इस साल हमने किया हमें मिला है उसके बाद ड्राइंग्स की बारी आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है तो दो कंडीशन थी अलग अलग क्योंकि फर्स्ट केस में जो ए का है ड्राॅइंग्स उसने उसमें जो है ड्यूरिंग द ईयर कहा गया था तो दस हजार रुपये उसने निकाले थे साल के दौरान कब कितने पैसे निकाले थे ये इसमें क्लियरली मेंशन नहीं था तो हमने इसमें क्या पढ़ा था पिछले उसमें लेक्चर में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जब टाइम पीरियड ना दिया हुआ हो या कब उसमें हमने ड्राइंग की है तो हम डायरेक्ट उस पर एवरेज छः महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो टेन थाउजेंड पर हमने सिक्स बाय ट्वेल्व इंटू टेन वन हंड्रेड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये आपका टोटल अमाउंट आएगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो पाँच सौ रुपये का हमने जो है इंटरेस्ट पार्टनर ए से लिया है ड्राॅइंग्स पर उसी तरीके से बी का जो है टू uh, थाउजेंड रुपीज पर क्वार्टर वो ड्राइंग कर रहा था तो साल में चार क्वार्टर्स होते हैं तो चार क्वार्टर्स के कितने हो गए एट थाउजेंड रुपीज़ हो गए पूरे साल की ड्राइंग्स और हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्वार्टरली जो है पार्टनर जब हर क्वार्टर के बिगनिंग में जब वो ड्राइंग करता है एक फिक्स अमाउंट की तो हम उस पर डायरेक्टली सेवन एंड हाफ मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं तो साढ़े सात महीने का हम जो है इंटरेस्ट uh, उस पर सेवन पॉइंट फाइव इंट अबाउन ट्वेल्व इंटू टेन अपॉन हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट थाउजेंड टोटल अमाउंट है तो बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग आएगा वो आएगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइव हंड्रेड बी का इंटरेस्ट फाइव हंड्रेड आ जाएगा तो दोनों के फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड मिला करके टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंगज़ वन थाउजेंड रुपीज़ तो अब जो है इसकी टोटलिंग कर देंगे एट्टी थाउजेंड नेट प्रॉफिट था वन थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया हमारा एट्टी वन थाउजेंड रुपीज़ और इन, इनका जो है अब यहाँ पर एट्टी वन थाउजेंड रुपीज़ में से हमें ये जो एक्सपेंसिज है यानी कि एट्टी वन थाउजेंड रुपीज़ हमें मिले हमारे पास हैं और उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फिफ्टीन थाउजेंड दे दिया उसके बाद सिक्स थाउजेंड जो है हमने सैलरी दे दी है एक को बी को कमीशन दे दिया है वन थाउजेंड तो टोटल हमने जो है इसमें से एटी वन थाउजेंड में से ये पेमेंट करने के बाद जो है हमारे पास बचते हैं फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ ये जो फिफ्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो ये जो प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी टू इज टू वन तो टू इज टू वन में जो फिफ्टी नाइन थाउजेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थर्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री रुपीज़ ए को दिए जाएंगे और बी को इनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन रुपीज दिए जाएंगे तो इस तरह से टोटल फिफ्टी थाउजेंड रुपीज जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया अब हम इसकी जनरल एंट्रीज डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने अभी जो अमाउंट्स कैलकुलेट किए हैं उससे हमें जनरल एंट्री करने में आसानी होगी तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं उसकी जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपेशन अकाउंट एटी थाउजेंड रुपी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एपोपेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं उसके बाद हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ टोटल था दोनों ए और बी का मिलाकर ये फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर आ गया दैन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू सैली टू ए तो सैलरी ए को जो देनी थी विक्स थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर आ गई है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू बी तो बी को जो कमीशन दी जानी थी वन थाउजेंड रुपीज़ उसकी जनरल एंट्री ये बन गई देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने पार्टनर से चार्ज किया है वो वन थाउजेंड रुपीज दोनों का फाइव हंड्रेड ए का फाइव हंड्रेड बी का मिलाकर के वन थाउजेंड रुपीज या प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है और उसके बाद जो बच गया था प्रॉफिट फिफ्टी नाइन थाउजेंड उसको हमने टू इज टू वन रेशो में पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट

और दूसरा जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है एग्जाम में उस पैटर्न को हम करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही व्हेन ए पार्टनर रिसीव्स गारंटी ऑफ गेटिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स तो कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर जो होते हैं फर्म के वो दूसरे पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि तुम्हारा हिस्सा इससे कम नहीं होगा हर साल तुम्हें इतना फिक्स अमाउंट जो है वो दिया ही दिया जाएगा चाहे बिजनेस को कम प्रॉफिट हो चाहे ज़्यादा हो तो उसको मिलेगा ही ज़्यादा मिलेगा ऐसा भी नहीं है कि अगर ज़्यादा हो होगा तो उसे उतना ही अमाउंट देंगे अगर ज़्यादा होगा तो नॉर्मल उसको जो प्रॉफिट है उसका बनता है वो मिलेगा अगर लेकिन कम प्रॉफिट यदि होता है या लॉस का केस होता है तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम आपको उतना फिक्स अमाउंट देंगे ही देंगे प्रॉफिट में शेयर तो उस तरह का क्वेश्चन जो है हम अब करेंगे लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल ए एंड बी सी आर थ्री पार्टनर तो ए और बी जो है वो सी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि उसका हिस्सा कभी भी एट्टी थाउजेंड रुपीज से अस्सी हजार रुपए से कम नहीं हुआ किसी भी साल में एनी डेफिशियं इन दी शेयर विल बी बोर्न बाई एंड बी इन द रेशियो टू एस टू वन तो यदि कोई कमी रह जाती है उसके शेयर में यानी कि एट्टी थाउजेंड रुपीज पूरे नहीं हो पाते हैं तो वो जो डेफिशेंट अमाउंट है दैट विल बी बोर्न बाई ए एंड बी तो वो पैसा जो है ए और बी देंगे पार्टनर्स किस रेशो में देंगे टू एज टू वन रेशो में देंगे तो so, दो हिस्से ए देगा एक हिस्सा बी देगा तो ड्यूरिंग द ईयर जो एक अप्रैल दो हजार अठारह से इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस का काउंटिंग तो उस साल उनको जो फर्म को प्रॉफिट होता है दैट इज रुपीज थ्री लाख तो तीन लाख का प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रेशन अकाउंट ऑफ द फर्म तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट फर्म का तो नॉर्मल जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट का लेजर हमने प्रिपेयर किया है बाय नेट प्रॉफिट बी डी ये हमारा तीन लाख का नेट प्रॉफिट आ गया है उसके बाद हमें जो नॉर्मल इनकी रेशो थी थ्री एज टू टू एस टू वन तो जो थ्री लाख रुपीज हैं थ्री एज टू टू एस टू वन रेशो में पहले हम इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में तो यहाँ पर हम कैलकुलेशंस में देखते हैं ए का जो शेयर है थ्री लाख रुपीस में थ्री बाय सिक्स उसका जो है ए को मिलेगा दैट इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आधा जो है ए को मिल गया बी का शेयर जो है थ्री लाख में टू बाय सिक्स है तो ये जो है वन लाख बी को मिल जाएगा थ्री लाख का टू बाय सिक्स और सी को जो है थ्री लाख का वन बाय सिक्स यानी कि फिफ्टी थाउजेंड रुपीज मिल गया तो ए को मिला कुल वन फिफ्टी थाउजेंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड बी को मिलेगा वन लाख रुपीस और सी को मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड लेकिन पार्टनर्स ने जो है उनको प्रॉमिस क्या किया है कि उसको एट्टी थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हर साल दिया जाएगा लेकिन ये तो फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट है तो डेफिशिएंसी जो है वो कितने की हो गई थर्टी थाउजेंड रुपीज़ की हो गई तो एट्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ थर्टी थाउजेंड तो जो तीस हजार रुपए हैं डेफिशियट अमाउंट है दैट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो टू टू वन तो ए और बी जो है वो थर्टी थाउजेंड रुपीज़ सी को 2 is to 1 रेश्यो में देंगे तो यानी कि 20,000 और 10,000 तो ए जो है उसका वैसे तो हिस्सा बन रहा था प्रॉफिट में 1 lakh 50,000 लेकिन उसमें से 20,000 रुपए वो सी को देगा तो ये जो 20,000 रुपए हैं ये माइनस करने के बाद जो ए का हिस्सा बचेगा वो होगा वन लाख थर्टी थाउजेंड रुपीज़ इसी तरीके से बी का जो है वन लाख प्रॉफिट हुआ था उसमें से टेन थाउजेंड जो उसको सी को देने हैं वो माइनस करने के बाद उसका जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ और सी का जो हिस्सा है वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ उसको ऑलरेडी बन रहा था उसका उसमें ट्वेंटी थाउजेंड जो ए ने दिए हैं टेन थाउजेंड जो बी ने दिए हैं दोनों मिला कर के अब हो गए हैं एट्टी थाउजेंड रुपीज़ तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन केस ऑफ गारंटी तो यदि पार्टनर्स किसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं तो उनको जो है उनके हिस्से को पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे उसके बाद डेफिशिएंसी देखते हैं यदि डेफिशिएंसी है तो पार्टनर जिसने भी गारंटी दी है उसी के शेयर से वो जो है डेफिशेंट अमाउंट रिकवर किया जाएगा और पार्टनर जिसको हमने गारंटी दी है उसको दिया जाएगा तो ये कोई भी रेशो हो सकती है कई बार क्वेश्चन में अगर रेशो ना हो तो हम दिया हुआ हो कुछ भी मेंशन ना हो तो हम इसको नॉर्मल रेशो मान लेंगे और मान लीजिए उसमें रेशो गिवन ना होती तो थ्री एस टू टू रेशो में ए और बी जो है पार्टनर सी को देते तो या कई बार हो सकता है कि एक ही पार्टनर गारंटी दे मान लीजिए ए ही गारंटी दे रहा है तो बी ने कोई गारंटी नहीं दी है तो ए के शेयर में से थर्टी थाउजेंड रुपीज माइनस हो जाते बी का शेयर टोटल वन लैख का वन लैख ही रहता तो थर्टी थाउजेंड यहाँ से निकल के सी के शेयर में ऐड हो जाते इस तरीके से जो गारंटी वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से परफेक्शन आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आ जाए तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू